है मैं सेल्फ अमृत भूषण। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों, वेलकम टू द प्रोग्राम द ग्रेट भारत एंड द ग्रेट पीपल विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर करंट अफेयर्स। गुड इवनिंग ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी, दिस इज द प्रोग्राम फॉर यू एंड फॉर द पीपल ऑफ आर नेशन। इट विल कवर योर पर डे एफर्ट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द नेशन एंड सजेशन फॉर यू सो दैट वी कैन मेक दिस कंट्री मोर ग्लोरियस इन द होल वर्ल्ड। द फोटोग्राफ आई एम शोइंग यू भुवनेश्वर कुमार, वन ऑफ द बेस्ट पेशर, वन ऑफ द बेस्ट पेशर ऑफ द वर्ल्ड एंड वन ऑफ द बेस्ट पेशर ऑफ इंडिया। This photograph I have taken from Times of India sports section. Pacer Bhuvneshwar says, Indian attacks back itself to perform in any condition in England. Every team at World Cup will be very aware bowling unit, no doubt. This is the right time to win the World Cup. The most important fact of today is our Nepali Sherpa ne record 23वीं बार एवरेस्ट की चढ़ाई। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर रिकॉर्ड 23वीं बार पहुंचकर नेपाल के कामी रीता शेर्पा ने इतिहास रच दिया और बुधवार सुबह 8,848 मीटर ऊंची इस चोटी पर पहुंचकर कामी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। पिछले साल 16 मई को उन्होंने 22वीं बार एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। सोलुखुबु जिले के थामे गांव के रहने वाले कामी ने इस बार 7 अन्य शेरपाओं के साथ मंगलवार रात कैमचार से एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू की थी। शेरपा भी देशी पर्वतारोहियों के लिए गाइड का काम करते हैं। वो उनके लिए एवरेस्ट पर चढ़ने का मार्ग तैयार करते हैं। इस सीजन में दुनिया भर के करीब 1000 लोग एवरेस्ट की चढ़ाई चोटी फतह करने की कोशिश करेंगे। 1994 में पहली बार की थी चढ़ाई। 1994 में पहली बार कामी 1994 में पहली बार एवरेस्ट पर चढ़े थे। इसके अगले साल हिमस्खलन व खराब मौसम के कारण उनका अभियान पूरा नहीं हो पाया, लेकिन उसके बाद से एवरेस्ट पर चढ़ने का उनका सिलसिला बस्तूर जारी रहा। 2017 में 21वीं बार एवरेस्ट पर पहुंचकर वह ऐसा करने वाले दुनिया के तीसरे व्यक्ति बन गए। उनसे पहले यह रिकॉर्ड नेपाल के ही अप्पा शेर्पा और फुरबा ताशी शेर्पा के नाम था। कामी के 25वां और उससे भी ज़्यादा बार एवरेस्ट पर चढ़ने की इच्छा जताई। कामी 8000 मीटर से ऊंची विश्व की अन्य चोटियों फतह कर चुके हैं। इसमें K2, अन्नपूर्णा, होस्ते, चोयू शामिल है। माय हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन टू कामी शेर्पा। इतनी ऊंचाइयां वो छुए, देश दुनिया में इनका नाम। द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज पवित्र कैलाश भूक्षेत्र बनेगा विश्व धरोहर। पवित्र कैलाश भूक्षेत्र के संरक्षण की दिशा में भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने पर सहमति प्रदान करने के साथ ही अंतरिम सूची में शामिल कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाले इस क्षेत्र को प्राकृतिक के साथ ही सांस्कृतिक श्रेणी को संरक्षित धरोहर का दर्जा मिलेगा। पवित्र कैलाश भूक्षेत्र भारत समेत चीन व नेपाल की संयुक्त धरोहर है। इसे संरक्षित विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए चीन व नेपाल पहले ही अपना प्रस्ताव यूनेस्को को भेज चुका है। अब भारत ने अपने हिस्से वाले 7,120 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को यूनेस्को से प्रारंभिक मंजूरी प्रदान कर दी है। इस तरह कुल 31,252 वर्ग किलोमीटर भाग यूनेस्को की अंतरिम सूची में शामिल हो गया है। इससे न सिर्फ समूचे भूक्षेत्र का विकास होगा, कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी बेहतर होगी। यह काम देहरादून में स्थापित यूनेस्को के उस कैटेगरी 2 सेंटर के माध्यम से किया गया है, जिस पर एशिया पैसिफिक क्षेत्र की प्राकृतिक धरोहर को वैश्विक फलक पर पहचान दिलाने की जिम्मेदारी है। कैटेगरी सेंटर के निदेशक डॉक्टर बीबी माथुर ने दैनिक जागरण को बताया कि नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था इसी मोड इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट और उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यूसैक ने इसमें अहम भूमिका निभाई। तो भूक्षेत्र के बारे में अगर हम बताएं, जो कैलाश भूक्षेत्र है, तो भारत में इसका जो क्षेत्रफल है 7,120, चीन में इसका क्षेत्रफल है 10,843, नेपाल में 13,289, तो कुल जो इसका क्षेत्रफल 31,252 है। भारत में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप देख सकते हैं, भारत में कुल यात्रा मार्ग 1,433 किलोमीटर का है। इसमें 127 किलोमीटर पैदल व 1,306 किलोमीटर यात्रा वाहन से की जाती है। यात्रा में 14 दिन लगते हैं। चीन सीमा में कुल
464 किलोमीटर की यात्रा में 53 किलोमीटर पैदल व 411 किलोमीटर वाहन से की जाती यात्रा में 12 दिन लगते हैं। मेरा प्रोग्राम आप लोग देखते हैं, सुनते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं। जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मुझे ये नहीं है कि सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हो गए, बट मेरा मैसेज एक ही है कि इसको शेयर ज़रूर करें। अगर इसका 2% भी आप लोग उसको मिल जाता है आपको, एंड आई होप सो यू आर गोइंग टू शेयर विद समबडी एल्स, बिकॉज यू नो यू शुड नॉट इंक्रीज द नॉलेज ओनली फॉर द कमर्शियल एक्टिविटीज़। कि अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तभी हम नॉलेज अपना इकट्ठा करें। आपका ज्ञान, आपका चरित्र और आपका ईमानदारी, मतलब ऑनेस्टी, कैरेक्टर और नॉलेज, ये हर जगह यूज होगा। और चाणक्य ने अर्थशास्त्र में बहुत सुंदर वर्ड बोला है, परोपकार और ईमानदारी से किया हुआ मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कभी व्यर्थ नहीं जाता है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज इंडियन इकोनॉमी फेसेस क्लाइमेट पेरिल। द ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट GAR लॉन्च बाई द यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन UNDRR हियर ऑन वेंसडे हैज वॉर्न ऑफ न्यू एंड मच लार्जर थ्रेट्स ड्यू टू एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंजेस टू इकोनॉमीज, इन पर्टिकुलर द एशिया पैसिफिक विच अकाउंट्स फॉर 40% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक लॉसेज विद द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट इन द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ जापान चाइना कोरिया इंडिया। The GAR was launched at the global platform organized by the UNDRR here with 5,000 participants from the governments, the private sector and civil society attending the 5-day event, which is seen as a run-up to the climate conference in the September, taking note of the progress mode as achieving sustainable development goals. India has sent a high-level delegations headed by Prime Minister's additional Principal Secretary P.K. Misra. The next most important fact is all out at sea. India is setting a high tempo of the naval operation in Asia. In recent weeks, a series of bilateral exercises with regional navies in Indian Ocean have demonstrated the Indian Navy resolve to preserve operational leverage in India's near seas. In April, in their biggest and most complex exercise, Indian and Australian warships held drills in the Bay of Bengal. This was followed by a much-published anti-submarine exercise with the U.S. Navy near Daigo Garcia. Last week, the Indian Navy held a joint exercise, Varuna, with the French Navy off the coast of the Goa and Carver, even as the two Indian warships participated in a group sail with warships from Japan, the Philippines and the United States on return from fleet review in Qingdao. For many, the trigger for India's newfound zeal at sea is rapid up expansion of China's naval footprint in the Indian Ocean. Beyond commercial investments in Pakistan and Sri Lanka, China has established a military outpost in Djibouti, a key link in Beijing's Belt Road and Initiative, BRI. Belt and Road Initiative, BRI, reports suggest the People's Liberation Army, PLA, in planning an expansion of its logistics base for non-peacekeeping mission. So thank you very much to watch my program. Wish you all the best. Good luck. God bless you. God bless India.